ओके गाइस, तो यार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। और मैं इस अपडेट को करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो हमारे न्यू अपडेट के अंदर आने वाला है ग्रेनेड 2 हाउस मोड, GTA 5 मोड एंड मिस्टर मीट मोड। तो यार हम लोग सबसे पहले खेलने वाले हैं ग्रेनेड 2 हाउस मोड। तो चलो यार गेम के अंदर। तो ओके गाइस, तो यार मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को मोड्स के अंदर यहाँ पे ग्रेनी का मोड देखने को मिल रहा है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यार यहाँ पे मैंने ग्रेनी मोड को स्टार्ट कर लिया और मेरे को अभी मैसेज आया कि चेक योर फोन। तो यार मैंने फोन को चेक किया और यहाँ पे हमको एक हाउस की लोकेशन दी गई है जो कि ग्रेनी के हाउस की है। तो फटाफट चलते हैं वहाँ पर। ओके गाइस, तो यार चलो ठीक है, हम लोग ने हाउस को देख लिया और ये वाला हाउस मेरे को लगता है कि हमारे विलेज के अंदर होने वाला है। और मेरी यहाँ से गाड़ी कहाँ पे गायब हो चुकी है इस मोड के अंदर। लेकिन एक सेकेंड यार गाइस, यहाँ पे हम लोग को दो गाड़ी एक्स्ट्रा दी हुई है इस मोड के अंदर जो कि इस साइड में पार्क है। तो हम लोग फटाफट से थार को लेकर चलते हैं। तो यार मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि किस तरह का होने वाला है हमारे ग्रेनी चैप्टर 2 का हाउस एंड उसके अंदर हम लोग ग्रेनी को देख पाएंगे या नहीं, और क्या इस गेम के अंदर ग्रैंडपा भी होने वाला है। और यार गाइस मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ क्योंकि इधर हमारी सिटी नहीं आती है, सिटी हमारी इस साइड में आती है। एंड हम लोग को यार येलो हाउस को याद रखना होगा जो कि पीला कलर का हाउस है, वही हमारा ग्रेनी का हाउस होने वाला है जो कि हम लोग को ढूंढना है सिटी के अंदर जाके। और भाई साहब मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी और यहाँ पे मैंने गाड़ी को ठोक दिया है। चलो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी हो चुकी है सीधी लेकिन हमारे गाड़ी का दरवाजा निकल चुका है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से ग्रेनी के हाउस के ऊपर। ओके गाइस, तो यार मैं यहाँ पे सिटी के अंदर तो पहुँच चुका हूँ और ये वाला घर ही मेरे को लगता है कि ग्रेनी का घर होना चाहिए क्योंकि यार हमारे मोबाइल के अंदर जो फोटो आया है वो इसी घर का है। तो फटाफट से चलते हैं, ग्रेनी मोड को अपन लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोर इज क्लोज, कलेक्ट 2 आइटम, ओपन द डोर। भाई साहब हम लोग को यहाँ पे 2 आइटम को कलेक्ट करना होगा जिससे कि हमारे ये वाला डोर खुलने वाला है और हम लोग ग्रेनी मोड को खेल पाएंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, चेक योर मोबाइल। भाई साहब यहाँ पे हम लोग को कुछ बेड दिख रहा है जो कि रेलवे स्टेशन पे है। मेरे को तो ये वाली लोकेशन पता है जो कि हमारे सामने ही दिख रही है। तो चलो फटाफट से हमारी थार के अंदर बैठते हैं, वहाँ से हम लोग बेड को लेकर आ जाते हैं। और ये वाला बेड कोई आम बेड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वाला बेड हमारी ग्रेनी का बेड होने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो ओके गाइस, तो यार मैं यहाँ पे गाड़ी को भगाते हुए रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे आते ही गाड़ी को ठोक दिया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी से उतरते हैं। एंड वो रही सामने हमारी कुर्सी जहाँ पे हमारा बेड रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा बेड, तो इसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा कलेक्ट का ऑप्शन आ चुका है तो कलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो यार यहाँ पे मैंने बेड को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अपन लोग चलते हैं ग्रेनी के हाउस पे एंड उनको अपन लोग बेड को दे देते हैं जिससे कि हमारा नेक्स्ट टास्क खुल जाएगा। और यहाँ से हम लोग को बस सीधा जाना है एंड हमारा ग्रेनी का हाउस आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पास था, लेकिन मैं गधेसरी का पूरा घूम के आया। चलो कोई बात नहीं, ग्रेनी का घर आ चुका है जो कि ये सामने। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को बेड को दे देते हैं। तो चलो चलते हैं, ये रहा हमारा घर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी को रोकते हैं, चलो उतरते हैं। और गाइस यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि यार हमारे को पहली आइटम बहुत ज़्यादा पास मिल चुके हैं, लेकिन अगर हमारी सेकेंड आइटम बहुत ज़्यादा दूर हुई तो हमारा डोर ओपन नहीं हो पाएगा। तो चलो पहली आइटम को दे देते हैं। तो डोर इज़ क्लोज, कलेक्ट 1 आइटम, ओपन द डोर। तो भाई साहब पहली आइटम को खोजने में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा देर लग गई और ये वाली लोकेशन मुझे पता चल गई कि हमारी कहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पे हमारे को टाइमर कैसे स्टार्ट हो गया भाई साहब। फटाफट से हम लोग चलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फटाफट भगाते हुए मैं चलता हूँ हमारे ओल्ड हाउस के ऊपर। भाई साहब ओल्ड हाउस मेरे को वहाँ पे गए बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं जो कि यार उसका रास्ता भी मैं भूल चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते हैं जो कि यार यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है हमारा ओल्ड हाउस। और अभी थोड़ी देर में हम लोग को हमारा ओल्ड हाउस देखने को भी मिल जाएगा जो कि यार आप लोग को सामने की तरफ में देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन यार टाइम भी फटाफट से जा रहा है तो हम लोग को फटाफट जाना चाहिए ओल्ड हाउस के पास। भाई साहब मैंने गाड़ी को तो यहाँ पे पार्क कर दिया है, जल्दी से चलते हैं ओल्ड हाउस के अंदर एंड यहाँ से हम लोग को वो सेकेंड आइटम जो कि हमारी शॉटगन होने वाली है उसको फटाफट से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं।
तो यार ये रहा वो पीसी जिसके हम लोग को फोटो भेजी गई थी, और यहाँ पे हमारी शॉटगन रखी हुई है जिसका कलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो फटाफट से मैंने ये गन को भी कलेक्ट कर लिया है। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग ग्रेनी के हाउस के ऊपर एंड वहाँ पे हम लोग इस गन को भी दे देते हैं, हमारा डोर को ओपन करवा लेते हैं। तो यार जो हमारी पहली आइटम थी वो ग्रेनी की थी और सेकेंड आइटम है ग्रैंडफा की। तो चलो चलते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो यार मैं यहाँ पे थार को भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ, ग्रैंडफा की शॉटगन को लेकर आ चुका हूँ मैं ग्रेनी के हाउस के ऊपर। एंड चलो यार यहाँ पे हम लोग अपनी थार को रोकते हैं एंड यार सेकेंड आइटम को कलेक्ट करना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हार्ड था, फिर भी हम लोग ने कर लिया। चलो अब हम लोग डोर को ओपन कर देते, डोर इस ओपन। ओके गाइस, तो यार मैं यहाँ पे ग्रेनी के हाउस के अंदर तो पहुंच चुका हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अंधेरा कैसे हो रहा है यहाँ पे, एंड ये रहा हमारा बंदा। तो चलो गेट को ओपन करते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ में। तो यहाँ से हमारी सीढ़ियाँ आ चुकी है, तो चलो चलते हैं थोड़ा इस साइड में, चलते हैं भगते हुए चलते हैं हम लोग ऊपर की साइड में। एंड यहाँ पे हम लोग को ग्रेनी देखने को तो नहीं मिल रही है, जो कि यार बहुत अच्छी बात है, वरना तो यार हमारा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को चाहिए सिक्योरिटी की एंड ये वाला गेट हमारा खुल चुका है, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने गेम को फिर से स्टार्ट किया है एंड अब हम लोग चलते हैं ऊपर। एंड यहाँ पे ग्रेनी है भाई साहब को मार दिया, आगे क्या हुआ मेरे साथ इसे जानने के लिए 500 लाइक कर दो पार्ट 2 के लिए।